अपनी सियासी नीतियों और बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर सियासत का गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में नजर आए, जहां लंबे समय बाद सियासत में रिटर्न दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक बार फिर सियासत में रिटर्न दिग्विजय सिंह, सियासत के गढ़ इंदौर में साधा बीजेपी पर निशाना। सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। इंदौर के साथ साथ प्रदेश भर में पिछले दिनों सामने आई सांप्रदायिक घटनाओं के बीच अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मैदान संभाल लिया है, जहां लंबे समय के बाद सियासत में फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने श्रम शिविर पर आयोजित हुए सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह के साथ इस सम्मेलन में कई सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। खरगोन में जो आदिवासी परिवारों पर डंडे बरसाए गए, अशुभ गैस छोड़ी गई, पूरे प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है डराने का, धमकाने का, और पूरे तरीके से ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और संघ के सुनियोजित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कल कमलनाथ जी खुद बड़वानी गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं। वही मूल रूप से हम लोगों का मत है। सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर नकली नोट के धंधे में शामिल होने तक के आरोप लगा डाले। जो नोटबंदी हुई उस समय 18 लाख करोड़ का की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहाँ से, उसका जवाब कोई देता नहीं है। हम इसके बारे में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकली नोटों के धंधे में शामिल रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूँ।
इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने जावेद अख्तर को लेकर कहा कि देश के संविधान ने हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी हुई है और वो उनका हक है। जावेद अख्तर साहब इस देश के एक प्रतिष्ठित विचारक हैं, इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस देश में संविधान हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उसने दी हुई है और वो उनका हक है। आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जिस प्रकार का मैंने पढ़ा, एक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम उनकी फिल्में दिखाने देंगे। भाई कौन से कानून में आप रोकेंगे जरा बता दीजिए। वैसे आपने संपत सरल जी का नाम सुना है, व्यंग्यकार का, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है तालिबान को, एक इक्वेशन दिया है, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। दिग्विजय सिंह ने मेडिकल कोर्स के एथिक्स टॉपिक को लेकर जारी हुए निर्देश को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ऐसा है, शायद डॉक्टर्स को मेडिकल बुक्स की आवश्यकता नहीं दिख रही है, उन्हें इनके विचारों की किताबें टेक्स्ट बुक में डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हैं उनको साइंस और आधुनिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भारत को वो फिर से 18वीं और 17वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एक बार फिर सियासत के संग्राम में दिग्विजय सिंह सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने सियासत के गढ़ इंदौर में सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन के साथ ही बीजेपी को भी अपने निशाने पर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।